संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और राज्य के सभी प्रदेश स्तर के नेता प्रभारी सभी प्रत्याशी आदरणीय निमंत्रण सभी सांसद विधायक और अलग अलग प्रभार के दायित्व में सभी जिले स्तर के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक होती है। बैठक में नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्पों को इस प्रदेश में इस चुनाव के मार्फत सभी 14 लोकसभा में न केवल चुनाव संपन्न कराने बल्कि चुनावी रूप से 14 के 14 लोकसभा को एक बड़े अंतराल से विजय प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चाएं हुई। समन्वय दलिया दर पर और समन्वय जनता के साथ पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता जनता के साथ बेहतर रूप से संवाद बनाकर जो हमारा संकल्प देशव्यापी संकल्प है उसको यथावत रूप से जनमानस तक ले जाना और अपने वोट प्रतिशत को बड़ा करना। इस चुनावी पर्व में त्योहार में कोई छूटे ना, हर किसी का योगदान हो और भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में हर किसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई। अब सभी अलग अलग प्रभार और दायित्व के पदाधिकारी आज के बाद से इस मिशन में काम करेंगे। हम सभी लोगों ने इस लंच को आज किया है और सभी मिलकर इस विजय अभियान में सभी लोग भाग लेंगे और सपनों को साकार करेंगे। पहले हो प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ आज तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने विषय ग्रहण किया है क्योंकि एनडीए गठबंधन दल की बैठक थी यहाँ पर और जिस दल के प्रत्याशी जो चुनाव के आखाड़े में थे उसके प्रदेश स्तर पर पहली बैठक हम सब लोगों की इतिहास होगी कि भाई लोकसभा स्तर पर भी विधानसभा स्तर पर भी और जिला स्तर पर यानी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक समन्वय स्थापित करना उसकी एक शुरुआत है ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जुड़ जाए और जैसे कि बताया कि आपको झारखंड में पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को मिले उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां समन्वय को स्थापित करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है जो गारंटी है हमें चुनाव भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक 2047 का भारत होगा उसका रोड मैप बना देते हैं। और इसलिए आप सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सब ने सुना था जब रिजर्व बैंक के तो मुंबई में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रहे हैं तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते धुआंधार काम जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश 14 के 14 सीटें जीत करके जुटा करके हम लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे ताकि भारत विकसित भारत बने उसी के अभियान में आप सब
प्रथम बैठक था, आगे हम लोग इसी प्रकार से नीचे स्तर तक ये संबंध है हम लोग स्थापित करेंगे। बहुत बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग बातें उनकी है, वो कभी भी तो नेशनली फंडिंग
नहीं, हम तो लेसर अकाउंट नहीं कहते चीजों पर। और मैंने कहा ये मेरा दायित्व तो बनता है इस प्रदेश के अंदर और इसके ज्वलंत विषय जो देश स्तर पर या देश के पटल पर इनका हल होना है, हम उसका निश्चित करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ बैठ के उसका हल निकालने का काम करेंगे। नहीं, रविंदर भाई ने उस दिन भी कहा था, मैं उस दिन भी कहा था कि रविंदर भाई परिवार के सदस्य हैं और ये बातें जो अन्याय ये ऐसे ही अन्याय रूप से उठाई जाती है कि उनका कहां जा रहा है। मैंने कहा कभी भी किसी भी प्रत्याशी या किसी का नेता का विचार पार्टी के विचार से ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी के विचार से ऊंचा कोई देख रहे हैं तो फिर पार्टी की धाराओं और पार्टी के विचार में वो बदलाव व्यक्ति नहीं माना जाता है। रविंदर भाई तेरे परिवार के हैं, बेकोसी संदेश समझने का है कि वो परिवार का हिस्सा है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।